पुलिस विभाग में डीएसपी बनकर अपने पैतृक गांव मुंडलिया पहुंची मीना यादव का जोरदार स्वागत किया गया। मीना यादव डीएसपी पद पर पदोन्नत होकर पहली बार अपने पैतृक गांव मुंडलिया पहुंची। इंस्पेक्टर मीना को उनके कर्तव्य, सजगता, समर्पण, त्याग व मेहनत को देखकर हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को डीएसपी बनाया था। वर्तमान में वह गुरुग्राम में एसीपी के पद पर तैनात हैं। आज बेटी के पैतृक गाँव मुंडलिया पहुँचने पर स्वजन व ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। 23 अगस्त 1981 को जन्मी गांव मुंडलिया में जन्मी किसान सूबे सिंह की बेटी मीना की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। एमएड एमए तथा शिक्षा ग्रहण करने के बाद सन 2008 में विवाह गांव दडौली के बाबूलाल पुत्र राव प्रभातीलाल के साथ हुआ। मीना की पीटीआई बाबूलाल भी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मीना हरियाणा पुलिस में प्रथम प्रयास में ही 2 अगस्त 2010 को इंस्पेक्टर बनी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौरान उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। कर्तव्य के प्रति त्याग व समर्पण भाव के चलते प्रथम श्रेणी का प्रशस्ति पत्र मिला। मीना यादव पानीपत में महिला थाना, महिला पुलिस स्टेशन मानेसर में अपनी सेवाएं दे चुकी है। पैतृक गाँव पहुँचने पर ग्रामीणों ने फूल व नोटों की मालाओं के साथ डीजे की धुन पर डांस कर खुशी मनाई। मेरी पदोन्नति का सारा श्रेय मैं अपने गांव परिवारजन व ससुराल जन को देना चाहती हूं, जिनके शुभ आशीर्वाद व स्नेह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। इन सब में मेरे गुरुजनों का, मेरे परिवार वालों का और विशेषकर मेरे ससुराल में मेरे पति का मेरे साथ बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। ये गाँव ने सम्मान समारोह आयोजित किया है कि गाँव की बेटी आज पढ़ लिख कर गजेटेड अफसर बनी है, तो उस उपलक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह गांव की तरफ से आयोजित किया गया है। तो एक ही मैसेज आता है कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है या सुन रहा है कहीं से भी, वो अपनी बेटियों को या बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेशन दे, प्रेरणा ले। अगर इस तरह से हम मतलब साधारण परिवार से भी बच्चा कोई गजेटेड अफसर बन सकता है। तो और काफ़ी प्रयास कर भी रही है और काफ़ी अच्छे कदम सरकार की तरफ से उठाए भी गए हैं। मैं लोगों को ये मैसेज दूँ कि जनता की सेवा आप किसी भी फील्ड में रहकर कर सकते हैं। उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करके देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।